इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम थम्बलर एप्लीकेशन का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम उसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, बट हम जो अपना पासवर्ड उसमें भूल जाते हैं तो उसको कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर हम अकाउंट लॉगिन करने के उस पर हैं ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहा है, बट हमें पासवर्ड यहाँ पर इसका नहीं पता। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पर तो वो दिखा रहा है इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस आपको पक्का पता है कि आपका सही है, तो फिर यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपके जीमेल पर शायद, तो उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ओके, जस्ट वी सेंट यू पासवर्ड रीसेट ईमेल। तो यहाँ पर आपको जीमेल के अंदर, ईमेल एप्लीकेशन के अंदर वो जो है भेज दिया गया है, तो वहाँ से ही अब हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सीधा उसमें चलता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जीमेल को खोल लेना है। यहाँ पर थम्बलर की तरफ से हमें एक मेल आया है जो कि यहाँ पर कह रहा है फॉरगेट योर पासवर्ड, और यहाँ पर रीसेट पर हमें टिक कर देना है। और रीसेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम एक भी साइट खोल लेते हैं, थम्बलर को खोल सकते हैं, लेकिन हम क्रोम को खोलेंगे यहाँ से, क्योंकि क्रोम बेटर है। तो क्रोम को हम यहाँ से खोल लेते हैं फॉरगेट करने के लिए पासवर्ड को। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आ जाएगी और यहाँ पर आपको पासवर्ड न्यू बनाना है, जो आप न्यू बनाना चाहते हो, और उसको कन्फर्म करके सेट ए न्यू पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। अब यही जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे ही आप लॉगिन कर पाएंगे ईजीली। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है, चाहे तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता, लेकिन ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप इजीली ही कर पाएंगे। यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाना है और उसको कंफर्म कर देना है, यानी कि न्यू पासवर्ड को दोबारा आपको बना देना है, बस इतना ही करना है। और यहाँ से आपका पासवर्ड, आप सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करिए और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इसका रहता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।